सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से नया जॉब नोटिफिकेशन निकल के आ गया है तो आज इसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे कि क्या पोस्ट निकल के आया है ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है उसके बाद एज लिमिट क्या रखा गया है पूरे डिटेल्स के साथ आप लोगों से बात करेंगे फ्रेंड्स ठीक है

पे लेवल थर्टी पे लेवल थ्री पे मैट्रिक्स ट्वेंटी वन थाउजेंड तो सेवन हंड्रेड टू सिक्सटी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड यहाँ पे आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है उसके बाद मैं सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स आप लोगों से बात करूँगा पूरे डिटेल्स के साथ नहीं करूँगा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है उसके बारे में बात करेंगे ठीक है ये, ये वेबसाइट रखा गया है एप्लीकेशन और एक्सेप्टेड थ्रो ऑनलाइन मोड सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो यहाँ पे ऑफलाइन कोई एप्लीकेशन नहीं होगा इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट करके इस नोटिफिकेशन का डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप लोगों को अप्लाई भी करना है सिर्फ कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडियन ठीक है यहाँ पे कॉन्स्टेबल पब्लिक ड्राइवर यहाँ पे यू आर जो कैटेगरी है इसके लिए 76 एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस टोटल 183 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है डायरेक्ट ठीक है उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर दैट इज ड्राइवर फॉर फायर सर्विस डायरेक्ट यहाँ पे 268 पोस्ट यहाँ पे है ठीक है टोटल ड्राइवर और पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विस इन सबको मिला के यहाँ पे पोस्ट रखा गया है 451 ठीक है यहाँ पे पोस्ट रिक्रूट किया जाएगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे उसके बाद उससे पहले साइलेंस फीचर्स आप इस वेबसाइट पे विजिट करके आप लोगों को इस एप्लीकेशन को फिल करना है जो भी कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हो इस वेबसाइट पे विजिट करके आप लोगों को अप्लाई करना होगा ठीक है कैसे पी एस टी पीईटी डॉक्यूमेंटेशन एंड एंडल्स ऑफ मेडिकल एग्जाम इसके द्वारा आप लोगों को रिक्रूट किया जाएगा बात करते हैं एडुकेशन क्वालिफिकेशन एज सर्कल क्राइटेरिया के बारे में बिटवीन ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सेवन दैट मीनस आप लोग ट्वेंटी वन आपको एज होना चाहिए मिनिमम एवं एंड मैक्सिमम ट्वेंटी सेवन यहाँ पे लिया जाएगा ठीक है दैट इज 22 टू 2013 2023 थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इंक्लूडिंग फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ठीक है उसके बाद जो एज लिमिट रखा गया है वो तो आप सबको जानते हो कि गवर्नमेंट का जो एज लिमिट का ये है फाइव ईयरस फॉर एस टी एस टी एंड थ्री ईयर्स ओ बी सी कैंडिडेट्स एज पर गॉप्ट ऑर्डर ये तो आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा एस टी एस सी और ओ बी सी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक रखा गया है ठीक है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिक और ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना चाहिए हैवी मोटर्स व्हीकल ट्रांसपोर्ट और लाइट मोटर motor और मोटरसाइकिल विद गियर ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस पे ठीक है आप लोगों को जिसको भी अप्लाई करना है इस जॉब पे आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना ठीक है क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो तो जिसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है आप वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते यहाँ पे जो एप्लीकेशन के बारे में बोल रहा था थ्री ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल ठीक है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए ठीक है और जो हाइट और चेस्ट चाहिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड बोला गया है फॉर जनरल एस सी एस टी ओ बी सी एक्सप्रेक्टेड थ्रो बिलो वन सिक्सटी सेंटीमीटर चेस्ट एटी सेंटीमीटर विथ मिनिमम एक्सप्रेशन ऑफ एटी टू एटी फाइव ठीक है यहाँ पे बोला गया मेडिकल स्टैंडर्ड ये ज़रूरी नहीं है अभी ठीक है जो एप्लीकेशन के लिए जो ज़रूरी बात थी मैं आप लोगों से बता दिया है अगर कोई आप लोगों को दिक्कत हुआ तो मुझे आप जरूर कमेंट कर कर सकते हो मैं आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई करवा दूँगा और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोगों को मेरे साथ शेयर कर सकते हो मैं आप लोगों को सॉल्व आउट करवा दूंगा यहाँ पे यहाँ पे पूरा हाउ टू अप्लाई कैसे अप्लाई करना है कौन सी कौन सी स्टेट और यूटीए में है, ये बोल दिया है जिसको भी मतलब अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा से अप्लाई करना है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर से आप लोगों को एप्लीकेशन करना है यहाँ पे ठीक है अगर कोई दिक्कत हुआ तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बोल देना मैं आप लोगों को हेल्प करवा दूँगा तो सबको Thank you.